आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है डे वन, इसलिए मैंने व्हाइट कलर पहना है। वैसे सुबह से बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे गुजर गया। मेरे इस बात से ना आप जरूर अग्री करने वाले हो, जैसे ही नवरात्र स्टार्ट हो जाती है एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही वाइब हमें ना पूरे वातावरण में महसूस होती है। और बिकॉज ऑफ इट ना बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है ना कि किसी ने हमें फुल चार्ज कर दिया हो। आज मैं अभी पंडाल से होकर आई हूँ, हमारी सोसाइटी में बढ़िया इंतजाम है और बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। मतलब वहाँ पर ना एक अलग ही तरह की एनर्जी फील हो रही थी और हर किसी के चेहरे पर ना एक पूरी ऐसी बैटरी चार्ज हो जाती है ना पूरी वाली, तब कैसे मोबाइल एकदम फटाफट अच्छे से चलता है, बिल्कुल आपको भी टेंशन नहीं रहता है कि यार मोबाइल अभी डिस्चार्ज होने वाला है। वैसे फेसेस वहां पर दिख रहे थे, सब एनर्जेटिक। हमारे घर पर ना नवरात्रि के लिए कोई ऐसी स्पेशल पूजा तो नहीं होती है, पर हमारी जो माता रानी पहले से ही विराजमान है हमारे मंदिर में, बहुत मतलब राष्ट्र उनके बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमारे मंदिर में आपको दुर्गा जी की मूर्त तो हमेशा ही दिखी है, तो उन्हीं की हमने पूजा की, दिया वगैरह लगाया। ऐसे वो घट स्थापना वगैरह तो नहीं होता है, तो उसी में मतलब हम लोग फुल चार्ज हो गए, घर में एक अलग ही प्रसन्नता वाला वातावरण हो गया था। उसके बाद वही अपना कामकाज, यू नो गाइस, वो कामकाज तो चलना ही है, इसे साइड में रख देते, इसकी बातें आज नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा साल है इसकी बातें करने के लिए, 9 दिन है हमारे पास नवरात्रि की बातें करने के लिए। पर खास बात, पिछले नवरात्र के आखिरी वाले दिन मतलब दशहरे वाले दिन हम लोग मुंबई से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, और तिथि के हिसाब से देखिए इस साल दशहरे को हमको पूरा 1 साल होने वाला है लखनऊ शिफ्ट होकर। मुंबई की तो नवरात्रि की बात अलग ही थी, वहाँ पर तो डांडिया गरबा का बहुत जोर रहता है, अलग ही एक लेवल रहता है। बट इस साल ना मैं यहाँ की नवरात्रि के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया है। और आपने कल के या परसों के व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं तो यहाँ पर डांडिया वगैरह भी कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस चल रही है, 2-3 दिनों से ही चल रही है, तो आज भी प्रैक्टिस होने वाली है। उसका जो मेन परफॉर्मेंस है वो शायद अष्टमी को होगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है गरबा और डांडिया में। ओके गाइज, लगभग 4 साल पहले 2019 में मैंने ये साड़ी खरीदी थी कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना मैं तोतली बोल जाती हूँ। ओके, तो ये साड़ी तब से बना कर रखी थी, मुझे लग रहा है 2019 में गणपति के समय पर मैंने ये साड़ी पहनी थी। हाँ, मेरे मम्मी के साथ में गणपति देखने गई थी, मम्मी पापा के साथ, तो मैंने ये साड़ी पहनी थी। उसके बाद फिर बस नहीं पहनी, मौका ही नहीं मिला। पर आज ये साड़ी का दिन आ चुका है, मीशो से ख़रीदी थी मैंने साड़ी, काफ़ी सुंदर सी है। मेन इसका जो ब्लाउज़ है ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा मस्त सा है, और एक्साइटेड हूँ, अभी पहन कर जब तैयार होकर आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इस समय हो रहा है 8:50 और मुझे डांडिया प्रैक्टिस के लिए 9:30 बजे जाना है, तो ये साड़ी वगैरह पहनकर तैयार होना। और आज मेरा उपवास है, तो उपवास में जो है सुबह तो थाली राज ने मंगवा दी थी, बहुत ही सही थाली थी, जिसमें ऑरेंज खीर थी, दही वड़ा था, पता नहीं क्या क्या था। उपवास में इतनी सारी ऑप्शंस मिलते हैं, मुझे पहले नहीं पता था, तो वो थाली तो बड़ी इंजॉय की थी, तो अभी भी पेट ऐसा भरा भरा सा लग रहा है। वैसे उपवास क्या हो गया, ये तो फलहारी इतना खा लिया कि पूछ रही मैं। ओके, सो अभी ना मैंने घी में आलू बनाए हैं और मखाना, तो ये होगा डिनर, एंड फिर मैं तैयार होती तो आपको दिखाऊंगी ही। तो बहुत ही लाइट मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि फिर पसीना आता है नाश्ते गाते समय, तो फिर वो मेकअप जब बहने लगता है तो और गंदा लगता है। तो सिंपल ये जो लॉरियल इन्फैलिबल मेरा शेड 105 ये वाला जो फाउंडेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देता है, और बेस्ट पार्ट कि इसको लगाने के बाद ज़्यादा ऐसे तामझाम नहीं करना पड़ता, पूरा ये अच्छा कवरेज दे देता है। और समझ रहे हो ना मैं क्यों लगा रही हूँ, मतलब मेरा जो मकसद है वो हो जा रहा है इसके साथ। बेस मेकअप रेडी है, हल्का सा आँखों पर कलर, सो कैन थोड़ा आँख अच्छी दिखे। आई मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन आईलाइनर पेंसिल लगाई है एज आईलाइनर, मतलब ये आईलाइनर ही है ब्राउन कलर का, क्योंकि कई बार ना ब्लैक बड़ा बोरिंग लगता है मुझे। तो हाफ मैं रेडी हो गई हूँ, हाफ मैं खाने के बाद रेडी होंगी, तो खाना तो आलू और मखाना ही है, पर राज को पसंद नहीं आया तो ही सेट कि मैं अपने लिए क्या थाली मंगवा रहे हो, क्या मंगवा रहे हो, जब कुछ तो मंगवाओगे। ओके, तो खाकर साड़ी पहन ली मैंने,
और साड़ी मैंने ऐसे फ्रंट साइड वाली पहनी है, इसको क्या बोलते हैं, उल्टा पल्लू जो गुजराती पहनते हैं ना, मुझे ऐसे ही पता, उल्टा पल्लू वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे साड़ी को याद है आपको, उल्टा पल्लू बोलते हैं ना, अम्मा पहनती थी, सीधा पल्लू, ये नहीं, वो तो ऐसे होता है ना, सीधा पल्लू तो जो मैं ऐसे लेती हूँ, आज मैंने ऐसे पीछे से आगे लिया है। अब बढ़िया से म्यूजिक के साथ बस आप इंजॉय करिए, क्योंकि अभी ज़्यादा बात करूँगी तो मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी। ओके गाइज, आई गॉट रेडी क्विकली, ठीक है, बहुत कम समय रह गया, 9:26 ऑलरेडी हो गया, और ये कड़े जो मैं अभी अमीनाबाद से लेकर आई हूँ उन्हें पहनूंगी, एक ही पहनूंगी क्योंकि घड़ी एक हाथ में रहती है और मुझे नहीं लगता कि मैं गरबा और ये सब एकदम से इतना सारा पहनकर कर पाऊँगी। आज मैंने जो इतना पहन लिया उसी के साथ कर पाऊँगी कि नहीं, नॉट श्योर, पर चलो आज पहला दिन है और पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कड़ा पहना है, इट लुक्स सो गुड ना, मुझे काफ़ी पसंद है, बस किसी को डांडिया वंडिया करते समय लगना चाहिए, नहीं लगेगा नहीं। लास्टली लेट मी शो यू पूरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. तो कैसा लगा? तो डांडिया रह गए थे, डांडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे कान में ना अभी से वो ए हालो वाली जो डोर होती है ना वो सुनाई दे रही। जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो बाद में आप मेरे से शेड पूछोगे, मैं पहले ही बता दूं वो थी मैक की रूबी वो। सारा ग्रुप पहले से यहाँ पर आकर खड़ा है, तैयार है। काफी देर के डांडिया और गरबा के प्रैक्टिस के बाद फाइनली हमें मिल चुका है हमारा फैन, और उसी के सामने हम लोग खड़े होकर मस्त हवा ले रहे हैं क्योंकि काफी गर्मी हो रखी थी। अभी आपने जो भी देखा, आगे जाओ, पीछे जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, ये सिर्फ एक अच्छी पिक्चर के लिए। अब आप समझ ही गए हैं ना कि आप भी रमेश बाबू हो, वही रमेश बाबू जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत बिल्कुल नहीं जानते। रमेश बाबू ही था ना उनका नाम? मैं गलत तो नहीं हूँ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि रमेश बाबू ही थे कि कोई और थे। वैसे ही कुछ हालात ना हम औरतों के भी है कि भाई हमारे लिए एक पिक्चर की कीमत क्या होती है ना वो बस हम ही जानते हैं। तो बस जैसे जहाँ पर खड़े हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ से कहाँ से अच्छी आ जाए,
कहीं छुप ना जाए, कहीं आगे ना हो जाए, कहीं पीछे ना हो जाए, बहुत सारे माइनस चीज़ें करते हुए फाइनली एक अच्छी पिक्चर मिल गई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पर आपको पता है ये वही औरतें हैं, दिन भर घर का ख्याल रखती है, बच्चों को भी संभालती है और पूरे घर को बहुत बढ़िया से चलाती है। और फिर यही मौका होता है नवरात्रि का, जब ये औरतें अपनी खुशियों को डांडिया और गरबा के थ्रू सेलिब्रेट करती है, एक बहुत ही अच्छा टाइम जो वो पूरे साल भर याद कर पाए ऐसा टाइम गुजारती है। तो एक अच्छी पिक्चर तो बनती है कि नहीं, आप समझ रहे हो ना वैल्यू क्या है हम औरतों के लिए इस एक पिक्चर की। सो बस कुछ इसी तरह से ये हंसता गुजरता समय बीत रहा है हम सब औरतों का। सो फाइनली प्रैक्टिस हो गई है अच्छे से, अभी हम लोग अच्छे से कर नहीं रहे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और ये हमें अष्टमी को परफॉर्म करना है। पर मजा भी आ रही है, बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद जैसे टीचर जैसी डांट खा रहे हैं हम लोग। और बहुत बढ़िया से मतलब किया मैंने, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपने जो देखा जज मत करिएगा, मुझे पता है मैंने कितना मेहनत किया इसे करने के लिए, बट मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एंड आई हैव माय न्यू फ्रेंड सपना, तो ये मेरे जैसी है, जैसे मैं बाहर से हूँ, यूपी के बाहर से हूँ, ये भी यूपी के बाहर से है, ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से है, साउथ इंडियन है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी हूँ। सो आई गॉट माई न्यू फ्रेंड नाउ, एंड बाकी तो बहुत सारे और फ्रेंड्स है। गाइस मीट माई न्यू फ्रेंड्स, हेलो, बाकी सब निकल गए कल परसों और अभी रहेंगे, कल किरण, किरण मेरा नाम, किरण चल रही है क्या ना? हाँ मैंने लिस्ट पूरी घर पर लिख कर रखी है, किस ब्लॉक में रहती है? तो अभी प्रैक्टिस करना है अच्छे से, मतलब घर पर नहीं यहीं पर, वरना अष्टमी वाले दिन लग जाएगी और मेकअप एकदम जगह पर है। तो आ गए हैं हम इस व्लॉग के एंड पर, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपना समय इस नवरात्रि कैसे गुजार रहे हो, क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल एक ऐसे ही नवरात्रि के डे 2 व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।